इंडिया पर सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पंखे से करंट लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के पास। तो धनंजय, बताइए क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है, कौन वो बुजुर्ग है जिनकी करंट लगने से मौत हुई है और कैसे उन्हें करंट लग गया? प्रियंशु जी, पूरा मामला इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गाँव का है। गाँव निवासी रामलोटन तिवारी, जिनकी उम्र 62 वर्ष है, इनके पिता का नाम ब्रजनाथ तिवारी है। ये जो है घर पे अकेले थे। इनका बेटा जो है गांव में कहीं घूमने के लिए गया था, जिसके बाद जो है इनका बेटा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि इनके पिता जो है मृत पड़े हुए हैं और इनके ऊपर जो है फर्राटा पंखा पड़ा हुआ, जिसके बाद उसने अपने जो है परिवार के जो अन्य लोग थे उनको सूचना दी। जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो रामलोटन है उनकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद इस जो मृतक हैं रामलोटन, इनके दो बेटे बाहर रहते थे, एक दिल्ली में एक बांदा में, जिसके बाद उनको सूचना दी गई है। दोनों बेटे इनके जो है रात में घर पहुंचे हैं और जिसके बाद पुलिस को इनके बेटों के द्वारा सूचना दी गई है। जी धनंजय, जानकारी चाहेंगे कि बुजुर्ग पंखे को क्या बना रहा था, कुछ उसमें खराबी आ गई थी या कोई अन्य कारण से उन्हें करंट लग गया? वो कहीं जा अगर निकल रहे हो तो पंखा उनके ऊपर गिर गया, तब करंट लग गया, क्या कुछ जानकारी मिली है? प्रियांशु जी, घटना के दौरान वो घर पे अकेले थे तो इसलिए जो है ये पता नहीं चल पा रहा कि घटना का क्या कारण है, बल्कि जो उनके बेटे के द्वारा बताया गया है, वो उनके बेटे ने बताया कि वो जो है मृत पड़े हुए थे, पंखा फर्राटा जो है वो उनके ऊपर पड़ा हुआ था। जानकारी एक अहम चाहेंगे धनंजय, 22 तारीख को बुजुर्ग का निधन हुआ, उन्हें करंट लगा और उनकी मौत हो गई, पुलिस को इस दौरान क्यों नहीं सूचना दी गई? 24 घंटे से अधिक हो गए हैं और अब पुलिस को सूचना दी गई है। प्रियंशु जी, इनके जो दो बेटे हैं वो एक दिल्ली में रहता है, एक बांदा में रहता है, इसलिए जो उनके दोनों बेटे हैं वो देर रात घर पहुंचे, जिसके बाद सुबह जो है परिजनों के द्वारा जो है पुलिस को सूचना दी गई है। अब इनके परिवार में कौन कौन है और इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, क्या बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कर दिया गया है? प्रियंशु जी, इनकी जो पत्नी है उनका बीमारी के चलते 2 वर्ष पूर्व निधन हो गया था। इनके परिवार में 3 बेटे व 1 बेटी है और वहीं जो है शव को अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, शव को जो है पीएम के लिए भेजा गया है। इस संबंध में इमलिया के जो प्रभारी निरीक्षक हैं दयाशंकर मित्रा, उनके द्वारा बताया गया कि जो बुजुर्ग है उसकी करंट लगने से मौत हुई है और शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त और दुखद खबर आ रही है इंडिया पर। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के, आपको बता दें, हरनाथपुर गाँव के रहने वाले रामलोटन तिवारी, जिनकी उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र ब्रजनाथ तिवारी, वो 22 अगस्त को घर पे अकेले थे, क्योंकि उनके दो बेटे बाहर रहते हैं, एक दिल्ली में और एक बांदा में, और एक बेटा उनके साथ रहता था और बेटा उनका कहीं घूमने गया था गांव में। और बताया जा रहा है कि जब उनका बेटा वापस घर आया तो फर्राटा पंखा उनके ऊपर गिरा हुआ पड़ा था, जिस कारण से उसने आस पड़ोस के लोगों को जानकारी दी। जब आस पड़ोस के लोगों ने देखा तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और बताया जा रहा है कि फर्राटा पंखा में करंट उतरा और करंट से ही बुजुर्ग की मौत हुई है। और इस मामले में आपको बता दें कि 22 अगस्त की ये घटना है, लेकिन चूंकि बाहर रहते थे मृतक के दो बेटे, जो मेन बेटा था वो दिल्ली में रहता है, तो उसको जब सूचना दी गई छोटे बेटे द्वारा, तब ये लोग जब पहुंचे हैं देर रात, तब पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आपको बता दें कि जो मृतक रामलोटन तिवारी हैं, उनके 3 बेटे व 1 बेटी हैं और उनकी पत्नी की 2 वर्ष पूर्व बीमारी के चलते मौत हो चुकी है, जिस कारण से आपको बता दें कि जो 4 बच्चे हैं उनके सिर से हमेशा के लिए पहले माता और अब पिता का साया छिन गया है। इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है और वहीं गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरी जानकारी के लिए धनंजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।